तो आफ्टर लॉन्ग वेट चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर सिक्स तो गाला बेसिकली क्या होता है कि आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बट एक बात बता दूं मैं गाला जो के जो पेपर्स हैं सी बी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर नंबर सिक्स का सॉल्यूशन बाकी के जो भी पेपर्स हैं पेपर वन टू फाइव उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप उसको चाहो तो विज़िट कर सकते हो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन बोलता है आई एम एन एलिमेंट आई हैव टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड देयर इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट से विच एलिमेंट आई एम तो दोनों ऑर्बिट के अंदर में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो ही ऑर्बिट है एलिमेंट में तो टू इलेक्ट्रॉन प्लस टू इलेक्ट्रॉन फोर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बेरिलियम ठीक है तो right answer, beryllium की तरफ़ में चला जाएगा आपका जो होते होते हैं हैं के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है का का वो करता है तो plant का male reproductive part होता है तो होता आपका एंथर तो जो पोलन ग्रेन है यहां पर एंथर में प्रोड्यूस होंगे तो राइट आंसर सी हो जाएगा ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोजोम आर देयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो गैमेट सेल्स होते हैं और बाकी के जो सारे सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोजोम्स पेयर में प्रेजेंट होता है बट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसके अंदर क्रोमोजोम सिंगल होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो राइट right आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ट्वेंटी थ्री ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर विच कलर लाइट गेट्स स्केटर मैक्सिमम ड्यू टू द एटमोसफियर कौन से कलर की लाइट का स्केटरिंग सबसे ज़्यादा होता है एटमोसफियर के द्वारा तो यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा आपका वायलेट, वॉयलेट कलर है उसका जो सबसे ज़्यादा स्केटरिंग होता है नेक्स्ट uh, पूछा है कि डेस्ट इज यूज इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है तो राइट आंसर होगा इसका ए जी एंड ए इसको बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड और इसको बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड ठीक है नाउ द नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्किन अल्किन याद रखना यहाँ पे लास्ट में ई एन ई जो दिया हुआ है ना वो काम का चीज़ है ई एन ई इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है वो आपका डबल बॉन्ड होगा तो इसकी वजह से इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनेगा जिसका फार्मूला होता है सी एन एच टू एन तो सी एन मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन और एच टू एन मतलब एन में नंबर ऑफ़ कार्बन जैसे कि पहला इसका हो जाता है इथिन सी टू एच फोर ठीक है उ क्वेश्चन नंबर सेवन डेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम सेरिब्रम जो होता है वो पोस्चर और बैलेंस दोनों मेंटेन करता है ठीक है डेस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम द लार्जर लेवल ऑफ द वाइट के बेस न्यू वेरायटी ऑफ द वेजिटेबल वॉज डेवलप्ड तो न्यू वेराइटी जो थी आपकी वो कौन सी डेवलप हुई थी तो न्यू वैरायटी का नाम यहाँ पर लिखना है न्यू वैरायटी यहाँ पर मैंने टिक करके दे दिया है नेक्स्ट पूछा है कि द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज फॉर्मिक एसिड जो फॉर्मिक एसिड होता है वही इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है तो ये गलत है इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिडिक एसिड acid. तो फॉर्मिक एसिड मेथनोइक एसिड को बोलते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज कंट्रोल्ड बाई वेड्यूला ऑब्लिकेटा सलाइवा सिक, का सिक्रेशन वेड्यूला ऑब्लिंकेटा ही कंट्रोल करता है तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये ट्रू है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस इज़ यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ स्पेक्टिकल्स माइनस फोर डी इज़ कॉन्वेक्स लेंस तो याद रखना यार यहाँ पर पावर माइनस फोर डी दे रखा है और यहाँ पर बोल रखा है कॉन्वेक्स लेंस तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कौन क्यों लेंस होता है उसका पावर नेगेटिव होता है यहाँ पर नेगेटिव कॉन्वेक्स के लिए दे रखा है तो कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा ठीक है नाउ द ये हो जाएगा फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सेस यूज ऑफ सी एफ सी क्लोरो फ्लोरोबन केमिकल होता है इज डेंजरस फॉर दियो ओजोन लेयर तो यस yes, बिल्कुल राइट right है यहाँ पे बिकॉज जो क्लोरो फ्लोरोबन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरीन और ये क्लोरीन एलिमेंट जो है वो हार्मफुल है नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड हैज़ लीस्ट एटोमिक साइज लीस्ट एटोमिक साइज मतलब जो सबसे छोटा एटोमिक साइज़ होता है तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वही उसकी एटोमिक साइज छोटी होती है और लास्ट में होता है आपका नियन तो नियोन यहाँ पर जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा बिकॉज नियोन के ऊपर में सेकेंड uh, ऑर्बिट के अंदर में लोड बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का उसका ऑर्बिट जो है वो फुलफिल होता है इसकी वजह से वट इज़ द न्यूक्लियर फीजन न्यूक्लियर फीजन हम किसको बोलते हैं तो न्यूक्लियर फीजन का राइट right आंसर यहाँ पर शो होगा आपको न्यूक्लियर फीजन इज द रिएक्शन वेयर द न्यूक्लियस ऑफ एटम स्प्लिट इंटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फीजन ठीक है ना दो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेन वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज हाउ मैनी जूल ऑफ एनर्जी इज सेट टू बी यूज तो जब भी हम वन यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो राइट आंसर हो जाता है उसके लिए थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स जूल्स और ये आंसर वन के डब्ल्यू एच से आया है ना वन के डब्ल्यू एच आपको याद रखना उसमें ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आई एम अ फॉरेस्ट इन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वेयर द सेफर्ड ब्रिंग्स ही सिप्स एंड ग्रेजिंग फॉर द ग्राजिंग एंड इन समर सीजन से हु एम आई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट हिमालया नेशनल पार्क ठीक है तो बस इतना ही सोल्यूशन है आपका सेक्शन ए का अब ये रहा आपका सेक्शन बी सेक्शन बी के बाद में आपको सेक्शन डी भी दिख जाएगा तो ये रहे सारे क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन डी के तो बस इतना ही था फ़िलहाल के वीडियो में अब कुछ बच्चे मुझे डिमांड कर रहे हैं कि सर सेक्शन बी का वीडियो भी जल्दी आउट हो तो जो गाला का सैम्पल पेपर नंबर वन है उसका सेक्शन बी का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने तो जल्दी से आपको वो भी देखने को मिलेगा बाकी आपके एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं गुजरात बोर्ड के लिए भी तो इसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट और आप बढ़िया एग्जाम में स्कोर करो और पढ़ाई पे ऐसे ही ध्यान दो ठीक है चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेट ट्यून्ड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो